हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ बीन्स की एक हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए इसे बनाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए मैंने बना के रखी हुई है, खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्दी है। तो इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ग्रीन बीन्स लिए हैं जिसे मैंने काट लिया है। आधा चम्मच साबुत जीरा लिया है, एक टमाटर लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, एक प्याज बड़ा प्याज लिया है इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया लिया है और आधा चम्मच चिकन मसाला लिया है। और मसालों में मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये हमें स्वाद के अनुसार लेना है, धनिया पाउडर एक चम्मच लिया है मैंने, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला एक चौथाई चम्मच से भी कम लिया है मैंने और आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है। तो आइए बनाते हैं। तो हमें 3 बड़े चम्मच तेल गरम करने हैं फ्राई पैन में। तेल गरम हो चुका है तो सबसे पहले इसमें मैं जीरा डाल दूंगी। जीरे के 2 सेकंड के बाद हम प्याज डाल देंगे इसमें। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, हमें ये गोल्डन ब्राउन मीडियम फ्लेम पे ही करना है। प्याज हमारे हो चुके हैं तो इसमें अब हम सूखे मसाले डाल देंगे। तो ये धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर। मसालों की क्वांटिटी आप अगर ज्यादा रखना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। सारे मसाले डाल देंगे, केवल हमें चिकन मसाला नहीं डालना है और साथ में नमक भी डाल देंगे। और इसे 1-2 सेकंड मिलाने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है हमें। इसमें अब पेस्ट डाल दूंगी मैं। अब मसाले में हम बीन्स डाल देंगे, हमें टमाटर नहीं डालने हैं अभी। जब बीन्स हमारे आधे पक जाएंगे तब हमें टमाटर डालने हैं और इसे मिलाकर हमें ढककर पकाना है। फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है, मीडियम नहीं स्लो कर देना है, सॉरी, फ्लेम को स्लो कर देना है और हमें इसे ढककर 5 मिनट तक पकाना है और बीच में हमें 1-2 बार इसे चला देना है ताकि जले नहीं। मैं ढक देती हूँ लेकिन बीच में हमें इसे चलाते रहना है। 2 मिनट पकाने के बाद मैं फिर से इसे चला देती हूँ ताकि बीन्स और मसाले जले नहीं। फिर हमें ढककर फिर पकाना है इसे। बीन्स हमारे आधे पक चुके हैं तो अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे टमाटर डालकर। और इसे ढक कर फिर से हमें 5 मिनट पकाना है और बीच में 1-2 बार हमें इसे चलाना है। बीच में हम इसे ढक्कन हटाकर फिर से चला देंगे। और फिर ढक दूंगी मैं इसे। 5 मिनट पकाने के बाद बीन्स हमारे पक चुके हैं और टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए। अब इसमें हम जो हमने चिकन मसाला रखा हुआ है वो डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। सब्जी तैयार हो चुकी है तो मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए बीन्स और टमाटर की सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसे ट्राई कीजिए और फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।